तो वही अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता दें, महिला की साड़ी खींचने का मामला है। पीड़ित महिला से मिलने लखीमपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में महिला की साड़ी खींची गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लखीमपुर जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, पीड़ित महिलाओं से मिलकर संवाद करेंगी। तो लखीमपुर खीरी में हमारे साथ संवाददाता जमीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमीर, प्रियंका गांधी वाड्रा उन महिलाओं से मिलेंगी आज जिनकी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई थी, उनकी साड़ी खींची गई थी, क्या जानकारी है? आपको बता दूं, ये पूरा मामला पसरुआ ब्लॉक का है, जहां पे नामांकन के दौरान, ब्लॉक प्रमुखी नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी और उनकी प्रस्तावक की भाजपाइयों ने, कुछ दबंगों ने साड़ी खींची थी। मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी को लेकर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके घर आज जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी है वो पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी के पहुंचने की खबर को लेकर यहां का जो प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है। एडिशनल SP मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल जो खबर हम तक मिल रही है वो ये है कि जो कांग्रेस महासचिव उनके घर पे पहुंच के, पीड़ित महिलाओं के घर पे पहुंच के उनसे रूबरू होंगी, उनका हाल जानेंगी। निश्चित ही जमीर, किस तरह की कार्रवाई आरोपियों पर की जा रही है? फिलहाल गिरफ्तारी उनकी हो गई है, हालांकि योगी सरकार ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया था। मीडिया में खबरों जब चलने लगी, मीडिया की खबरों को संज्ञान लेकर सरकार की जो प्रशासन की किरकिरी होने लगी, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने, जो पसरुआ पुलिस, उसने जो आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जमीर। तो आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान महिलाओं से बदतमीजी की गई थी, उनकी साड़ी खींची गई थी। आज प्रियंका गांधी वाड्रा उन महिलाओं से मिलने जाएंगी उनके घर पर। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे का आज दूसरा दिन है।